हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे मिलती है आपको आपके फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। कहते हैं अपना खून अपना होता है, और इसी थीम पर चल रही है हम सब की फेवरेट शो, वो तो है अलबेला की सरोज की कहानी। दरअसल सयूरी एक साल विक्रांत के साथ रहकर आई है। उसके बाद सरोज को उस पर हो चुका है शक कि ये जो बच्ची जिसे वो कान्हा की करार दे रही है वो वाकई में उसी के खून का खून है, उसी के खानदान का खून है या नहीं, और इसीलिए उसने कराई थी DNA रिपोर्ट। लेकिन कहते हैं ना कि नहरे पर दहला पड़ना वो आपको शो के इस वाले सीक्वेंस में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर DNA रिपोर्ट का टेस्ट तो आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन सरोज मैडम पढ़ नहीं पाई क्योंकि वो रिपोर्ट पहले कान्हा ने पढ़ ली। और ये बात सुनकर कि कान्हा को काफ़ी ज़्यादा शौक लगने वाला है कि उसके मना करने के बावजूद भी यहाँ पर सरोज ने DNA रिपोर्ट जैसी बड़ी स्टेप का अंजाम दिया। शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि सरोज को जमकर लताड़ा जाएगा। कान्हा से लेकर के उसके घर के छोटे बड़े सभी लोग सयूरोज को सयूरी पर शक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लहजाव करने वाले हैं, जिसके बाद सरोज कान्हा को घर छोड़कर जाने से रोकने के लिए उसके आगे हाथ जोड़ती हुई नजर आएगी और ये भी कहेगी कि जो तुम कह रहे हो वो मैं सब मानती हूँ, मैंने मान लिया मिट्टू हमारा ही खून है, लेकिन तुम लोग घर छोड़कर मत जाओ। देखते ही देखते सरोज सयूरी के आगे भी हाथ जोड़ी खड़ी नजर आएगी, जिसके बाद वो उससे करेगी रिक्वेस्ट कि कान्हा को समझाए कि वो घर छोड़कर ना जाए। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग कि सरोज ने ये जो हाथ जोड़कर मिट्टू को अपनाने का फैसला किया है, क्या ये सिर्फ ऊपर ऊपर से है या फिर अंदर से भी वो उसको अपनी पोती मान चुकी है। आपको क्या लगता है, कॉमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।